कहूंगा कि थप्पड़ से डर नहीं लगता उमा, प्यार से डर लगता है। तो खा लो एक थप्पड़। ठीक है, मैंने प्यार का रास्ता अपनाया लेकिन आपने उसे ठुकरा दिया। तो ऑडियंस, अनफॉर्चुनेटली अब आपको ये रैप बैटल देखना ही पड़ेगा। ओके ओके, कोई बात नहीं, ये लोग तुम्हें हारता हुआ देखने के लिए कितने उत्सुक हैं। We'll see, Huma. We'll see. We'll see. We'll see. Drop the beat. शो में आई है देखो प्यारी हुमा कुरैशी, पहली फिल्म से कर रखी है सबकी ऐसी तैसी। गैंग्स ऑफ वासेपुर में क्यों इतनी गालियां चल रही थी, फिल्म की डिमांड थी या शक्लें देख के दे रही थी? हुमा ने आके कर डाला तेरे शो को हाउसफुल, सूरत सा टैलेंट मेरा करे है सबकी बत्ती गुल। Okay. भाषण देता है गली गली, तू क्या कोई नेता है, फिल्म तो दूर की बात तुझे कोई गाली तक नहीं देता है। मैं दूंगा गाली भाई, मैं दूंगा गाली। डायन में डायन बनी, सोचा ना क्या क्या करना है, सारे थे कंफ्यूज, लाइन मारनी है या इससे डरना है। हॉलीवुड की फिल्म कर ली, सारी दुनिया ही बदल गई, पता ही नहीं चला वो मूवी कब आई कब निकल गई। पता चला क्या? देखने वाले इस डायन को दिल से प्यार करते हैं, तू तो इंसान का बच्चा है, तुझसे क्यों सारे डरते हैं। तेरे पापा ने गागा कर छोड़ी सब पे छाप है, फ्लॉप के मामले में आदि तू हम सब का भी बाप है। नहीं। पापा बोले अपने होटल है, कुछ किचन में जाके फ्राई करो, चक के खाना हुमा का बोले किसी और फील्ड में ट्राई करो। लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं, बच्चे मेरे होटल के कबाब भी तुझसे बड़े होते हैं। फैन हूँ आपकी निगाहों का, आपकी अदा पे आहें भरता हूँ, आपके हुस्न को सजदा करके लो माइक ड्रॉप करता हूँ। A huge round of applause for Huma Qureshi. Thank you so much, Huma. Welcome to Entertainment Ki Raat. और साथ ही साथ मैं इस रिंग में स्वागत करना चाहूंगा मिताली और झुल्लर कौर है। We have Huma Qureshi, beautiful, talented actress. We have Mithali, the captain of the Indian cricket team. And we have Jhullan, the fastest bowler that we have in our team. मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये एंटरटेनमेंट की रात की बस शुरुआत है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? हम भी तैयार हैं। एंटरटेनमेंट की रात में खुला है एक पुलिस थाना, ये थाना है थोड़ा अलग, सोचो इस थाने का इंस्पेक्टर कितना अलग होगा, देखना है तो घुस जाओ इस थाने में प्लीज। इंस्पेक्टर प्रताप, कानून का रखवाला है इंस्पेक्टर प्रताप, हिम्मत वाला है इंस्पेक्टर प्रताप, 100 से भी ज्यादा इनकाउंटर किए हैं इंस्पेक्टर प्रताप ने। इंस्पेक्टर प्रताप के रहते यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तो बात हुई इंस्पेक्टर प्रताप की, लेकिन मेरा नाम है नंदू और स्पोर्ट्स कोटे में मेरी एडमिशन हुई है यहाँ पे। स्पोर्ट्स कोटा का यार देखो ऐसा है, मैं इंटरनेशनल लेवल पे कैरम खेलता हूँ। कैरम इंटरनेशनल मतलब भूटान की लड़कियों को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज के जबरदस्ती उनके साथ कैरम खेलता हूँ मैं। मतलब भगवान कसम, कैरम खेलने की इतनी गंदी आदत लग गई है मुझको हुमा, मेरे नेबर के ताऊ की डेथ हो गई, मैंने जल पीना ऐसे छिड़का है उनके ऊपर।
गंदी। बहुत अच्छे। यार देखो अच्छी बात पता है क्या है कि सरकारी नौकरी भी कोई चीज होती है। अब हर कोई मिताली राज की तरह, जुल्लन की तरह क्रिकेट में लेजेंड तो नहीं बन सकता ना, और कैरम में तो वैसे भी कोई चांस नहीं है। तो मैंने कहा मैं सरकारी नौकरी कर लेता हूँ। सरकारी नौकरी में क्या है, देखो सिक्योरिटी रहती है। अब मुबीन को देखो, फिल्म इंडस्ट्री में है, कभी पैसा नहीं आता, कभी बिल्कुल नहीं आता। मतलब बेचारा इतना गरीब है कि रोज सुबह मंजन करते वक्त जितना कुल्ला अंदर चला जाता है ना, उसी को नाश्ता मान के संतोष कर लेता है। खैर मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पुलिस स्टेशन में कोई नहीं आए, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है बाबा, मुझसे ये सब काम नहीं होता है, ये पुलिस का काम मेरे को करने को एकदम खटकता है। पुलिस पुलिस किधर है पुलिस? मेरे को नहीं पता, मैं उतने शहर में भी नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तू नहीं बुला रही हूं, तुम ही पुलिस हो ना? अरे हाँ 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 सॉरी, मैं पुलिस हूँ, मैं एक्चुअली भूल जाता हूँ, मैं खेल खेल में पुलिस बन गया था। मैं निशानेबाज था ना इसलिए। ओ निशाना अच्छा था इसीलिए पुलिस ऑफिसर बने? नहीं निशाना जो है गलत लग गया था, मतलब मैं कहीं और मारा था, पुलिस वाले को लग गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो मैंने सोचा जॉब के लिए अप्लाई कर देता हूँ। नौकरी लग गई तो लग गई, वरना लग गई। ये सब छोड़ो सर, मेरे पीछे ना चार गुंडे पड़े हैं, वो मेरे पीछे आ रहे हैं। चार गुंडे यहाँ आ रहे हैं? हाँ। मैं पुलिस स्टेशन में अकेला हूँ, अगर मेरे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? आप पुलिस वाले हो सर, एक काम कीजिए, आप मेरी FIR लिखिए। FIR? मैडम ये FIR और WWE सेम होता है क्या? आपको पुलिस वाला होके FIR नहीं पता? मैडम आपको एक्टर होके एक्टिंग नहीं पता? देखिए आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि वो दिखता कैसा था? आप एकदम ऋतिक जैसा। देखो मैडम जिसकी औकात खुद ऋतिक वाली हो ना, वो ऋतिक का नाम नहीं लेते। आप एक काम करो, आप मुझे डिस्क्रिप्शन दो, मैं स्केच बनाता हूँ, स्केच और पंच आप मुझ पे छोड़ो। ओके। हाँ जी बताओ मैडम। उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी। नाक टेढ़ी कितनी? तकरीबन साले पेन में नहीं रखते ढंग का। नाक कितनी टेढ़ी? इतनी टेढ़ी कि जुकाम लगे तो कंधा भीग जाए। इतनी टेढ़ी? हाँ। और आईज उसकी कैसी थी? आंखों से तो वो इतना तिरछा था कि जब तक मेरा हाथ नहीं पकड़ा मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे देख रहा था। स्केच बन गया मैडम। ओके। लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि आपको पोकेमोन ने छेड़ा था। पोकेमोन? ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता वो। हाँ मेरे पास फोटो है, एक सेकंड। ऐसा दिखता था वो। इतनी देर से तुम्हारे पास फोटो है और मैं स्केच बना रहा हूँ? इधर देखो। That's good। अब बनाऊंगा परफेक्ट स्केचेस का। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि आपको पुलिस वाले का काम ही नहीं आता है। अरे मुझे पुलिस वाले का काम अच्छी तरह आता है। बड़े बड़े केस सॉल्व किए मैंने मैडम। एक बार झुल्लन जी मेरे पास आई केस लेके। मुझे बोलती है उन्हें किसी लड़के ने छेड़ा है। तो मैंने कहा क्या करूं झुल्लन जी, पकड़ लूं लड़के को? तो मुझे कहते हैं कि नहीं बस लाश को ठिकाने लगा दो, मैं स्कूटी के पीछे बांध के यहाँ लाई हूँ। लाश को ठिकाने? और मेरा केस? आपका केस मैडम बहुत उलझा हुआ है मैडम। आप एक काम करिए, थोड़ा नारियल तेल लगाइए, केस सुलझ जाएगा। ये सब छोड़ो, देखो आज हुमा जी भी आई है। पता है मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने ना गैंग्स ऑफ वसीपुर बहुत बार देखी है। वैसे गैंग्स ऑफ वसीपुर तो मैंने भी बहुत बार देखी है, जितनी बार देखी अपने बाप भाई के साथ देखी है, क्योंकि माँ बहन तो पिक्चर में थी। वैसे हुमा जी आपको याद नहीं होगा मगर मैं शूटिंग पे भी आया था, मैं एक्चुअली अनुराग कश्यप का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। आम तरीके से शूटिंग नहीं करते, देखो आम डायरेक्टर कैसे होते हैं कि फर्नीचर यहाँ सेट कर दो, एकदम माहौल साफ कर दो, कोई गंदगी नहीं होती है, कुछ नहीं। लेकिन अनुराग कश्यप तू एक काम कर भाई, इधर आ यहाँ खास के जा, तू इधर आ इधर थूक के जा, तुझे उल्टी आई है इधर करते हैं, संडास जाना है इधर, रुक मैं आगे बंद कर लेता हूँ। देखो अलग है उनका पैटर्न, अलग है, मुझे बहुत इंप्रेस करता है। एक बार मैंने देखा शूटिंग वाले दिन कि कैमरामैन उनके पास आया और उसने बोला सर कैमरा कहाँ लगाऊं, तो उन्होंने बोला कोई भी साफ कोना देख के लगा ले, गंदगी फ्रेम के अंदर होनी चाहिए। हीरो ना एक दिन नहा के आ गया, अनुराग कश्यप ने खींच के चप्पल मार दी, कहता तेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना नहाने का, तू नहा के कैसे आ गया? खैर हाँ हो गया तेरा? हो गया तो गोद में आएगा मैडम। नहीं नहीं
हो गया नहीं मतलब खत्म कर लेना अपना। हो गया खत्म कर लो अपना मतलब? अरे खत्म कर ले यार, मुझे तो यहाँ पे क्यों देने के लिए रखा है ना। फिर क्या हुआ? अरे वो देख भूभी आई, उसके बारे में बात करना है। मेरे आने से पहले तेरा स्टैंडअप, मेरे आने के बाद तेरा स्टैंडअप, मुझे तो लाइन नहीं देते राइटर। रुक जाओ, अभी इन दोनों राइटर को बैकस्टेज जाकर ना चाकू मारती हूँ। सेल्फी मेरे साथ ले दे, बोलते इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाओ और लाइनें तुझे दे दे। रुक जा। हेलो शुभित, क्वेश्चन सुन, 25 एपिसोड की लाइनें बोल के गई है, आज के बाद किसी एपिसोड में कोई लाइन मत देना इसको। पागल है, इसको लगता है लाइनों से कुछ होता है। मुबीन इतने टाइम से लाइनें बोल रहा है, कुछ उखाड़ा उसने? भाई ने आज तक किसी एपिसोड में एक लाइन नहीं बोली, लंदन से पिक्चर शूट करके आया है, लाइनों से क्या होता है?